ओम शांति। आज है 21 जून 2021 की साकार मुरली। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, पिछाड़ी के समय एक बाप की याद ही काम आएगी, इसलिए उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई को नहीं। सारा मदार याद पर है, लेकिन अब तक भी माया बहुतों को हैरान करती है। बाप अथवा साजन की याद भुला देती है। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की मदद देनी है। यह मेहनत सिर्फ संगम पर ही करनी होती है और किसी युग में नहीं। इसलिए अभी तुम बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करनी है। नर से नारायण बनना है। बाप तो तुम्हें गोरा बनाने आए हैं, लेकिन जो याद में नहीं रहते उनको माया का ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो एकदम काला मुंह कर देगी। फिर बाबा ने कहा, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं। भल कोई कितना भी दान पुण्य करे, चाहे आग से भी आते जाते रहें, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। और लास्ट में बाबा ने कहा, हम गारंटी करते हैं, अगर तुम याद में रहेंगे तो आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। जब भी यहाँ योग में बैठो तो बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब होता है। यह मेहनत ना करने वाले विघ्न डालते हैं। तुमने अभी बाप को पहचाना है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में भी यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। बाबा कहते, यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है। यह मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही
तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है, इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है, यही है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्य नारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे, इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्यादि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भक्त कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सत्युग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूँ
जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी दो कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो, और कोई तिक तिक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, हम आत्मा हैं। गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है, तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है कि बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले, अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है,
सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है, सत्युग में तुमको मिलता है। कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं। जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए, बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से आती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते रहेंगे। कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में
याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।